ऑस्ट्रेलिया के मैक्सवेल शहर में किया जा रहा है क्रिकेटर फिल ह्यूज का अंतिम संस्कार। अंतिम विदाई देने के लिए उमड़ी भीड़, नम आंखों के साथ साथ ही क्रिकेटर दे रहे हैं श्रद्धांजलि। अंतिम संस्कार में करीब 5,000 लोग शामिल। अंतिम संस्कार के वक्त रो पड़े ऑस्ट्रेलियाई कप्तान माइकल क्लार्क। क्रिकेट की दुनिया ह्यूज को याद रखेगी, बताया ह्यूज को मानते थे छोटा भाई। कप्तान का आंसू देखकर हॉल में मौजूद क्रिकेटरों की आंखें भी नम हो गई। ह्यूज के अंतिम सफर में टीम इंडिया के कार्यवाहक कप्तान विराट कोहली और टीम के डायरेक्टर रवि शास्त्री थे मौजूद। कोच डंकन फ्लेचर और टीम मैनेजर अरशद अयूब भी अंत्येष्टि में हुए शामिल। अंतिम संस्कार की पूर्व संध्या पर क्रिकेटर फिल ह्यूज की याद में रोम में विशेष प्रार्थना सभा। वेटिकन क्रिकेट टीम ने ह्यूज को दी श्रद्धांजलि। देश के टॉप क्रिकेटर्स ने आज तक के स्टूडियो में दी फिल ह्यूज को आखिरी विदाई। सौरव गांगुली, चेतन चौहान, निखिल चोपड़ा, आरपी सिंह, इरफान पठान, प्रवीण कुमार और अतुल वासन ने ह्यूज को कहा अलविदा। दिल्ली में अपने घर के गार्डन में गिरे एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार। पैर और पीठ में आई चोट, शुरुआती इलाज के बाद एम्बुलेंस से ले जाया गया मुंबई। ब्रीच कैंडी अस्पताल में चल रहा है इलाज। अनिल सिन्हा बन गए सीबीआई निदेशक। 1979 बैच के बिहार कैडर आईपीएस अधिकारी हैं सिन्हा। लोकपाल कानून के जरिए हुई नियुक्ति। पीएम के विदेश दौरे पर आज सुषमा स्वराज दोनों सदनों में बयान देंगी। कल सदन में विपक्ष ने उठाया था पीएम मोदी की अनुपस्थिति का मुद्दा। संसद में आज राजनाथ सिंह सुकमा के नक्सली हमले पर देंगे बयान। घटनास्थल का दौरा करके लौटे हैं गृहमंत्री। नक्सली हमले में शहीद हुए थे 14 सीआरपीएफ जवान। संसदीय दल की बैठक में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के कामकाज पीएम मोदी ने की तारीफ। विपक्ष अब तक डमी विदेश मंत्री बताकर कसता था तंज। त्रिपुरा के सीएम ने मोदी सरकार पर लगाया आरोप, कहा केंद्र नहीं बना रहा जनता के हित में नीतियां। ममता बनर्जी ने सभी विपक्षी दलों को एक होने का किया आह्वान, कहा संसद में तृणमूल ही निभा रही है मुख्य विपक्ष की भूमिका। रसायन और उर्वरक मंत्री अनंत कुमार से मिले शिवराज चौहान। राज्य के लिए अतिरिक्त यूरिया खाद की मांग की 20% मांग से रोज हो रहा है इजाफा। सीएम शिवराज ने बिना रिफाइनरी की क्षमता बढ़ाने भी उठाया मुद्दा, केंद्रीय मंत्री ने मांग मंजूर की। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में सांसदों के देर से पहुंचने पर पीएम मोदी ने ली क्लास, कहा अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करूंगा। सांसदों की लेट लतीफी से खफा पीएम ने कहा आगे से तय वक्त के 5 मिनट बाद बंद कर दिया जाएगा दरवाजा। मोदी रथ पर सवार बीजेपी को रोकने के लिए अब मुलायम के घर पर बनेगी रणनीति। 4 दिसंबर को होगी बैठक। एसपी, जेडीयू, आरजेडी, जेडीएस और आईएनएलडी के नेता होंगे शामिल। नीतीश कुमार ने बीजेपी के खिलाफ इन दलों को एकजुट होने का दिया था सुझाव। 4 दिसंबर की बैठक में निकल सकता है ठोस नतीजा।
शिरोमणि अकाली दल ने आज चंडीगढ़ में बुलाई बैठक, शीर्ष नेताओं संग बैठक में भविष्य में बीजेपी से गठबंधन जारी रखने या ना रखने पर होगी चर्चा। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट, बिना किसी रुकावट के विकलांगों को कामयाबी के शिखर पर पहुंचाने के लिए मांगा लोगों का साथ, कहा विकलांगों को मुहैया कराए जाएंगे समान मौके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी दी श्रद्धांजलि। केजरीवाल के मन की बात का रेडियो कार्यक्रम आज FM पर, केजरीवाल जनता से होंगे रूबरू। केजरीवाल ने कहा 28 सीटों में 49 दिनों की ही मिल सकती थी सरकार, बोले 50 सीटें देगी जनता तो 5 साल डटकर काम करेगी आप। कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी की भी बैठक आज, दिल्ली घोषणा पत्र पर बैठक में होगी चर्चा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज अमेठी के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे, गोदलिए गांव जगदीशपुर का भी करेंगे दौरा। दिल्ली के सीमापुरी में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की रैली, कहा देश को 24 घंटे में 20 घंटे काम करने वाला प्रधानमंत्री मिला जो हर वक्त देश के विकास के बारे में सोचता है। मनरेगा बजट में कटौती पर जंतर मंतर पर जमकर हुआ प्रदर्शन, करीब 100 NGO के समाज सेवियों संग जुटे विपक्षी दलों के तमाम नेता प्रदर्शनकारियों का आरोप, मोदी सरकार घोट रही है मनरेगा का गला। हिट एंड रन केस में अभिनेता सलमान खान की आज होगी पेशी, मुंबई में पिछली सुनवाई के दौरान सेशन कोर्ट ने आज की सुनवाई में सलमान के मौजूद रहने का दिया था निर्देश। सूरत में एक मजदूर के घर आया 6 लाख का बिजली का बिल, जितने का भेजा है बिल उतनी नहीं है घर की कीमत, बिजली विभाग की लापरवाही से सकते में है मजदूर परिवार, घर में केवल एक बल्ब और पंखा चलता है। दिल्ली के पहाड़गंज में बहादुर चौकीदार को पुलिस और लोगों ने दी श्रद्धांजलि, दुकान में डाका डाल रहे बदमाशों से भिड़ने पर हुई थी हत्या, परिजनों को 1.5 लाख मिला मुआवजा। अयोध्या में विवादित ढांचे की कानूनी लड़ाई से हाशिम अंसारी ने किया तौबा, हो रही राजनीति से हुए खफा, कहा 6 दिसंबर को काला दिवस जैसे कार्यक्रम में भी नहीं करूंगा शिरकत। हाशिम अंसारी ने यहां तक कहा कि वो अब रामलला को आजाद देखना चाहते हैं, मंत्री आजम खान से खफा दिखे हाशिम। आतंकी संगठन ISIS से लौटे आरिफ माजिद ने किए कई खुलासे, सूत्रों के मुताबिक 6 लड़कों के ISIS ज्वाइन करने का अंदेशा। अरीब से NIA की पूछताछ में खुलासा, 2 और लड़कों ने छोड़ा था ISIS का साथ, कहा कल्याण के सभी लड़कों को अलग अलग कैंप में ले जाया गया था। अरीब ने किया खुलासा, शुरू में उसे टॉयलेट साफ करने का काम दिया गया, बाद में राजगीर बनाया गया, कहा भारतीय मूल के एक और शख्स से भी हुई मुलाकात जो वहां पहले से था। अरीब ने कहा उसने कभी ISIS के साथ लड़ाई नहीं लड़ी, अंधाधुन हुई गोलीबारी में हुआ घायल। पीएम मोदी के स्वच्छता अभियान से जुड़े चेन्नई के MGR यूनिवर्सिटी के छात्र, करीब 400 छात्रों ने सफाई मिशन में लिया हिस्सा। विश्वविद्यालय के छात्रों ने झाड़ू तसला लेकर चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर की सफाई। रोहतक में 2 बहनों से बस में छेड़खानी के 3 आरोपी जमानत पर रिहा, आरोपियों में से 1 को बहनों ने बस में जमकर पीटा था। नेपाली छात्र की मौत के केस में शेरवुड स्कूल प्रबंधन को राहत, हाईकोर्ट ने हाउस मास्टर की गिरफ्तारी पर लगाई रोक। शेरवुड स्कूल ने छात्र की मौत के मामले में बॉम्बे अस्पताल पर लापरवाही का लगाया था आरोप, कोर्ट ने डॉक्टर का मांगा नाम। यमुना एक्सप्रेस वे पर पेट्रोल टैंकर पलटा, हादसे के बाद मची पेट्रोल की लूट। MP के इंदौर में बेकाबू बस ने 45 साल की महिला को कुचला, मौके पर हुई मौत, गुस्से में लोगों ने बस को फूंका। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में NIA ने आतंकियों के संदिग्ध ठिकानों पर की छापेमारी, वर्धमान दबंगी की जांच में जुटी है NIA।
पश्चिम बंगाल के नादिया में अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस पर हुआ पथराव। रेल पटरियों के किनारे से फेरी वालों को हटा रही थी पुलिस। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी बनाने की कवायद। वाराणसी के मेयर की पहल पर यूनेस्को ने दिखाई दिलचस्पी। आरटीआई के खुलासे से मुंबई में पवार इंडोर एकेडमी मुश्किल में। प्लॉट के प्राइवेट कंपनी के व्यावसायिक इस्तेमाल पर एमएमआरडीए ने भेजा नोटिस। एकेडमी से तलब किया जवाब। 4 दिसंबर को क्रिकेट विश्व कप के 30 संभावितों का होगा चयन। मुंबई में 1 बजे होगी राष्ट्रीय चयन समिति की बैठक। वर्ल्ड कप ट्रॉफी में भारत पहुंचने पर आईसीसी के समारोह में मुंबई पहुंचे सहवाग ने कहा, मुझे वर्ल्ड कप टीम में वापसी की उम्मीद। 30 ओवर्स में नाम आए या सिलेक्शन, हर एक प्लेयर क्रिकेट जो खेलता है वो वर्ल्ड कप खेलना चाहता है अपनी कंट्री के लिए। तो मेरा भी अभी भी वही ड्रीम है कि होप मैं भी वर्ल्ड कप खेलूं। मेरा भी नई मुसीबत में फंसे दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर हर्षल गिब्स। नशे में तेज गति से कार चलाने के आरोप में गिरफ्तार, जमानत के बाद रिहा।